के प्रसंग का सार बताता हूँ आपको। पयोव्रत के कारण कितनी सुंदर बात है, माँ ने केवल दुग्धार किया वो भी भारतीय वंश की गाय। आपने टीवी में एक लड़का देखा था ना कौटिल्य, जिसे कोई भी प्रश्न करते थे तो उत्तर देता था, याद आया? इसके बाद टीवी वाला नहीं बताया उसे कुछ। हमारे गो सेवक उसका पता लेकर उसके घर गए थे, गो सेवकों ने उसकी माँ से कहा कि माँ आपका ये बेटा इतना ज्यादा ज्ञानी कैसे, कोई भी प्रश्न करे उत्तर देता है। तो बोले बेटे मैं पूरे जब से मुझे आभास हुआ कि मेरा गर्भाधान हो गया है तब से मैं केवल शुद्ध भारतीय गोवंश के गौ माता के गोरस को छोड़कर दूसरा नहीं ली, केवल दोनों जो शुद्ध गोरस पीती रही है गौ माता की सेवा करती रही, इसलिए इतनी मेधा शक्ति मेरी संतान में हुई। गौ माता का चिंतन भजन कीर्तन गो सेवा और गो माता का ही गोरस, बाकी कुछ भी नहीं ली मैं, यह प्रभाव गो माता का। हर प्रश्न का उत्तर देता था वो बालक। ये तो बिकाऊ टीवी वाले कैसे बताएंगे, वो तो गो मांस खाने पर क्यों बैन लगा इसके ऊपर डिबेट होगा। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के ऊपर एक बार कलंक लगा था दक्षिण भारत के, वो घंटों बात हुई लेकिन निर्दोष साबित हुए तो 0 सेकंड नहीं लगा, क्या बताएं, सब चीज उल्टी हो गई बता रहा हूं मैं आपको। तो ये पयोव्रत का प्रभाव है गौ माता के, गौ माता के गोरस में ही आज शोध किया है अमेरिका ने, अमेरिका में 2500 रुपए लीटर है भारतीय गोवंश माता के गोरस का पैकेट में जाता है यहाँ से। अमेरिका में भारतीय करेंसी में 4500 रुपए है, चीन में चाइना में ये महत्व है। और यहाँ कईयों में देखा गोरस नहीं पी सकते हो, गोमूत्र से बदबू आती है, शराब से बदबू नहीं आती, वो शराब में दुर्गंध नहीं आती, गोमूत्र में दुर्गंध आती है, गोरस पी नहीं सकते। क्या उन्नत कैसे उल्टी गंगा भरी हमको समझ नहीं आ रहा है भैया। देखिए उसका एक मैंने एक शुरू दिन कहा था याद रख लिए, जो यहाँ गौ माता का क्या कहते हैं लोग उसको, ऊपर बड़ा सा डील सा रहता है कुबुत कुछ कहते हैं कुछ और दूसरी भाषा कहते हैं। भगवान सूर्य की 3 प्रकार की किरण होती विज्ञान मान रहा है, एक किरण से पर्यावरण शुद्ध होता है जो आज ओजोन फट करके नुकसान कर रहा है, और एक किरण से हमारी फसल वसल पकती सब में प्रभाव पड़ता है वृक्षों में लताओं में हम पर, और एक सबसे महत्वपूर्ण किरण है जिसे केवल और केवल गौ माता यही एब्जर्व करती है, सूर्य केतु नाड़ी होती है उसकी, ऐसा यंत्र फिट किया है परमात्मा ने, क्योंकि उसको गौ माता को ध्यान देना मेरी बात पर, समुद्र मंथन हुआ अमृत जब देवता ले गए पीने के बाद अमर हो गए, दोनों ले लिया तो भगवान ने कहा मेरी सबसे प्रिय संतान मनुष्य है, मैंने क्या दिया वो, ये अमृत तो देवता ही ले गए देवलोक में रहेगा, क्योंकि भगवान ने कहा है सब मम प्रिय सब मम पुजाए। इसलिए भगवान ने काम धेनु को समुद्र से प्रकट किया,
अब काम धेनु से ही गोवंश चला, याद रखना ये भगवान के द्वारा प्रदत्त है, इसलिए उसकी सेवा करने के लिए भगवान गोपाल बनकर आए। और आज ये दुर्दशा है, मैं कई बार कह चुका हूं आपको, आज मात्र 8 करोड़ संख्या बची है 90 करोड़ से। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इनकी संख्या 90 करोड़ थी, जबकि आदमी की संख्या 28 से 30 करोड़ थी। एक आदमी के पीछे 3 गौ माता थी, आज 8 करोड़ गौ माता में लगभग 95-96 करोड़ हिंदू हैं। तो डिवाइड करो कितना होता है, लगभग 12, 12 से 96, एक गाय के प्रति 12 हिंदू, तो 12 हिंदू मिलकर एक गाय की रक्षा नहीं कर पा रहे, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है। अरे हम ही निकाल देंगे उसे, तो कसाई ले जाएगा काटने के लिए, उसको मिलेगा नहीं तो काटेगा कैसे, शासन सुमित करो वो हत्या बंद हो, तुम क्या कर रहे हो। स्वतंत्र हुआ भारत तो एक हिंदू के प्रति 3 गौ माता थी, आज उसकी गर्दन कट रही है, उसकी चर्बी से, उसके रक्त से पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। तो आज 12 हिंदू मिल करके एक गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रहे। हम तो सुविधा भोगी हो गए ना, अपनी सुख सुविधा मगन है, बाहर उठ कुछ भी हमें क्या मतलब। इतना छोटा दृष्टि, सिमटा हुआ दृष्टिकोण हमारा हो गया अपने में। अब हम दो और हमारे एक में आ गए, तो दृष्टिकोण ही नहीं हो सकता बृहद। गो माता के बिना सात्विक बुद्धि आ ही नहीं सकती, और जब बुद्धि तामसी हो गई जो आज हो गई है, लिख लेना मेरी बात, आज कह रहा हूं इस व्यास मंच से, ज्यादा नहीं केवल 2 दशक के भीतर कैंसर के कीटाणु धान के पौधे में, गेहूं के पौधे में, खाने वाले पौधे में मिलेंगे, कोई नहीं बचेगा उससे। आज घर घर रोगी हो गए देख लो, क्यों बढ़े भाई, इसलिए कि आज धरती को गोबर गोमूत्र नहीं मिल रहा है। तो वो जो किरण होती है सूर्य की तीसरी किरण, जिस किरण में केवल और केवल स्वर्ण भस्म जैसे शक्ति होती है, उसको माँ यही एब्जर्व करती है सूर्य केतु नाड़ी के द्वारा। आप छूओगे तो ऐसा करता है, देखोगे आप उसको, जिसको बीमारी है वही छूना, सारी शक्ति माँ की केंद्रित होती वही गो माता की, लपलपाएगी वहां छूते ही। और जैसे सोना पीला होता है वैसे गो माता का दूध पीला होता है, मक्खन पीला होता है, उसका घी पीला होता है, वो स्वर्ण भस्म का रस है सीधे। उसको जब लोग हमारे, अब एक हिंदू के प्रति 3 गौ माता थी, पहले मंदिर बनाते थे तो एक विग्रह के पीछे पहले 5 गौ माता खड़ी की जाती थी, तब मंदिर का विग्रह प्राण प्रतिष्ठा होती थी, क्योंकि उसी के गोरस से, उसी के घी से हवन होगा भगवान को, उसके बिना भगवान भोग नहीं लगाते। चाह लाख मर जाओ कोशिश कर लो आप। एक बात बताऊं, नवरात्रि में जो जोत जलाते हो, अगर भारतीय गोवंश की माता का घृत नहीं हुआ, घृत का जोत जलाने वाले, तो उस जोत से आसुरी शक्ति पुष्ट होती, दैवी शक्ति नहीं। नोट कर लेना इस बात को, दीपक जो जला रहे हो अगर घी का जला रहे हो और उसमें भारतीय वंश की गौ माता का घी नहीं हुआ, तो जिस घी से जलाओगे वो पूतना जो गाय है, जर्सी वगैरह जो क्रॉस वाली है, भारत की नहीं है, उसके घी से जलाओगे तो उससे आसुरी शक्ति पुष्ट होती है। यज्ञ करोगे, हवन दोगे तो देवताओं को नहीं मिलेगा उससे, केवल आसुरी। आज बढ़ रही आसुरी शक्ति, इतने अनुष्ठान यज्ञ हो रहे क्यों नहीं हो रहे, इसलिए कि शुद्ध गौ माता का घृत नहीं मिल रहा है। इसलिए बचना चाहते हो, अपने बच्चों को सात्विक बनाना चाहते हो आने वाले भविष्य में, तो गोवंश की रक्षा करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, जागना पड़ेगा हिंदुओं को अपने भीतर, अन्यथा वो दुर्दशा होते देर नहीं लगेगी, जब आपका बच्चा ही तामसी हो जाएगा। आज देख रहे हैं माता पिता को नहीं पूछ रहे हैं, ये द्रोण कहां से आए,
क्रोध बढ़ गया, काम बढ़ गया, लोभ बढ़ गया, ईर्ष्या बढ़ गई, पाखंड बढ़ गया, दिखावा बढ़ गया, प्रदर्शन, ये दुर्गुण कहां से आए मुझे बताओ ना। केवल और केवल सात्विक बुद्धि नहीं होने के कारण, और सात्विक बुद्धि आती है केवल गो माता के गोरस से। इसलिए माँ ने पयोव्रत किया, भगवान वामन के रूप में आए, तीन पग भूमि मांगी। एक बड़ी मार्मिक बात वहां पर यह है कि भगवान ने कहा, देखो मैं अपने विग्रह से मुझे तीन पग भूमि चाहिए। बोले महाराज आप दीप महादीप शासन पद ये मांग लेते, क्या करेंगे आप इतनी छोटी, मेरे पास मांगने से कोई फिर किसी के पास जीवन भर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप क्या मांग रहे। बोले मैं जानता हूं तुम्हारे दादा प्रहलाद जी की निष्ठा तुम में है, तुम्हारे पिता विरोचन का दातापन तुम में है, लेकिन मैं भी ब्राह्मण हूँ, संतोषी हूँ मैं, मुझे अधिक नहीं चाहिए, क्योंकि अधिक संपत्ति उसी की मैं रखवाली करता रहूँगा, फिर भजन क्या करूँगा। ज़्यादा संपत्ति होगी तो उसी की चिंता रात खा जाएगी मुझे। आज हो रहा है लोगों को कहाँ छिपाऊँ, कैसे बचाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, सारा समय इसी में लग रहा है। उसको मनाना है, उस ऑफिसर को मनाना है, उसको करना है, ये करना है। हम समझते हैं कि वो अमीर करोड़पति सुखी है, और करोड़पति सोचता है इससे तो वो गरीब अच्छा है जो कहीं आंख में मस्त नाक बजा के सो रहा है, मैं नींद की गोली खा के मर रहा हूं, नींद पड़ रही है, केवल प्याज में 10-10 रोटियां खा लेता है मेड़ में बैठ कर और पचा लेता है, और मैं आधी रोटी खाता हूँ गैस हो रहा है। तो गरीब की निगाह में वो सुखी है, उसकी निगाह में वो सुखी है, और सुखी कोई नहीं। वस्तुतः देखो तो सुखी कोई नहीं। रोज धमकी भरा फोन आ रहा है, अमीर से पूछो तो वो पेपर में निकाल दूंगा, इतना पहुंचा दो वहां, वैसा कर दूंगा, ऐसा कर दो यहां। ये बुद्धि कहां जाई, दुर्बुद्धि, ये तामसी वृत्ति, एक दूसरे को नीचा गिराने की, लूटने की, शोषण करने की, ये वही भारत था जहां तराजू से सोल को तोड़ते थे ताला नहीं लगता था, गिरने की फुर्सत नहीं थी लोगों को, न चोरी होती थी, न कोई मदिरा पीता था, न कोई जुआ खेलता था, न कोई व्यभिचारी होता था, ये वो भारत है। और क्यों गिरावट हुई, इसलिए कि गो माता को हमने हृदय से निकाल दिया, उसी की बुद्धि से ही सात्विक सात्विकता आती है। तो बोले मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, मुझे केवल तीन पग भूमि चाहिए। बोले संकल्प कर दो, संकल्प किया तो शुक्राचार्य छिपे आप जानते हैं, भगवान ने कुश को लेकर आंख फोड़ दी उसकी, खड़े होकर सामने आके पीछे बोले भगवान आपने मेरी आंख फोड़ दी। बोले मुझे क्या मालूम तुम रूप बदल कर भीतर घुसे हो, क्या कीड़े बनकर, मक्खी बनकर, क्या बनकर, मुझे क्या मालूम। भगवान ने ऐसा क्यों किया, इसलिए किया कि ज्ञान की आंख ठीक थी शुक्राचार्य की, भगवान को पहचान लिया कि वामन नहीं हरि, और शिष्य को रोका मत दो, हरे दीति हरि हरि सब हर लेंगे, ये गुरु की भूमिका नहीं है। अरे महाराज समर्पित हो रहे, धन्य बेटा तेरे कारण बिना बुलाए आज भगवान दरवाजे आ गए, कितना भाग्यशाली है। आज वो याचक बनकर आया, तू दाता बन रहा है, समर्पण कर दे, सब उसी का तो है, जीव किसको दावा करेगा मेरा है। लेकिन उल्टा चले गए, ये गरीब हो जाएगा तो मेरी सेवा क्या करेगा, इस स्वार्थ पे आ गए शुक्राचार्य। तो भगवान ने एक आंख फोड़ दी, उस आंख का नाम है वैराग्य। वैराग्य की आंख आपकी फूट गई है, आप रागी हो गए हो, लोभी हो गए हो, ज्ञान की आंख ठीक है इसलिए ज्ञान की आंख को मैं रहने देता हूं, वैराग्य की आंख फूट गई है, नहीं तो उल्टा बोलते गुरु की भूमिका यही बेटे। अरे ईश्वर आए हैं तेरे दरवाजे, तेरे कारण घर बैठे मुझे दर्शन हो गया, पुत्र हो जा समर्पित। लेकिन धन्य है जब तीन पग नापते तो दो पग में भगवान ने सब नाप लिया, एक पग ब्रह्मलोक, एक पग से पूरी पृथ्वी, भगवान ने कहा तीसरा पग कहाँ रखोगे। तो बड़ी मार्मिक बात कही महाराज बलि ने, पत्नी की तरफ देखा, धर्म या इसी धर्म पत्नी विंध्यावली उनकी पत्नी का नाम बलि का। बोले स्वामी
ये भगवान है, समर्पित हो जाए। अभी तक कहीं न कहीं दातापन का अभिमान था आपको कि मैं दानी हूँ, सबसे बड़ा दाता हूँ अभी मैं सृष्टि में। इसलिए सिर झुका दीजिए इनके चरणों में, अहंकार को चढ़ा दीजिए। तो बाली ने बड़ी सुंदर बात कही हाथ जोड़कर, भगवान अभी संपत्ति का दान हुआ है, संपत्ति के दाता का दान नहीं हुआ है। क्या माननीय बात है, अभी आपने अपनी चीज ली, आपने जो दिया, जमीन भी तेरी, दुकान भी तेरी, मकान भी तेरी, सारी चीज तो तुम्हारी बनाई हुई, तुम्हारी अपनी है। अभी तक आपने अपनी वस्तु ली, तब अब मेरी वस्तु ले लीजिए। तुम्हारी वस्तु क्या है? बोले मेरा अहंकार। रामचरितमानस में सुतीक्ष्ण जी ने भगवान बड़े बड़े लोगों के पास ना कई वस्तुएं ऐसी जिसका उपयोग नहीं करते, आपके पास भी ऐसी वस्तु जिसका उपयोग नहीं करते, अच्छा वो मुझे दे दीजिए ना। बोले क्या? अभिमान। तुम्हारे पास नहीं, बोले मेरे पास है, वो मेरा अभिमान है आपका। आप कभी अभिमानी बने? भगवान चुप, श्री राम चुप हो गए। आपने कभी अभिमान का उपयोग किया? बोले नहीं किया, तो खाली पड़ा है ना, हाँ तो वो अभिमान मुझे दे दीजिए। जीवन मेरा हो, अभिमान आपका हो। असय अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोर। देख लीजिए, तो बाली ने कहा भगवान अभी तक संपत्ति का दान हुआ, संपत्ति के दाता का दान नहीं हुआ। भगवान ये भी तो धरती है बुद्धि, अहंकार कहाँ होता है? यही होता है, यही उगता है। इसलिए भगवान तीसरा चरण इसमें रख दिए। बलि जिन चरणों के दर्शन के लिए सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, ऋषियों के झलक तक नहीं पाते, आज वो चरणों का स्पर्श तलिक मिल रहा है। बोले भगवान एक बात बताऊं? बोले हाँ। कितना भाग्यशाली हूं मैं। कैसे? भगवान शिव आपके परम भक्त हैं, रात दिन नाम देते रहते हैं। बोले हाँ। कभी ये चरण उनके मस्तक पर पड़े? भगवान चुप। आज देखिए कितना बड़ा उपकार किया आपने मेरे ऊपर। जो चरण आज तक भगवान शिव के मस्तक पर स्पर्श नहीं हो पाए, आज वो चरण आपने मेरे मस्तक पर दिया। इससे बड़ा क्या हो सकता है? भगवान की आंखें छलक आई, फिर छोटे बोले, बोले सुन, तुमने अपना सर्वस्व दान किया। ध्यान देना, सर्वस्व शब्द कैसे बनता है? दो शब्द से, सर्व और स्व, तब मिलेगा क्या? सर्वस्व। सर्व माने ममता का, भूमि संपत्ति का दान कर दिया, ये सर्व का दान है। और स्व मतलब अपने आप का दान कर दिया। तो भगवान ने कहा जो तुमने सर्वस्व का दान किया है, अपने सर्व का, स्व का, इसलिए मैं अपना पद तुम्हें दूंगा, जो अपना पद किसी को नहीं देता। बलि ने कहा भगवान अपना पद, आपका पद क्या है? मेरे पद के लिए तो लोग मेरे भगत, मेरे प्रेमी तरसते हैं। जन्म जन्म रति राम, देख लो। अब मेरा पद क्या है? तो पद पाताल शीश यज धाम, ब्रह्मलोक मेरा सिर है और पाताल मेरा पद है, चरण है। इसलिए पुत्र चल, तेरे साथ में चलूंगा, अब सदैव तेरी रक्षा करूंगा। अब भगवान चौकीदार बनकर रक्षा करने लगे। बताइए, इतनी संपत्ति, इतनी संपत्ति बनकर भगवान जहां रहेंगे, अपने आप संपत्ति भरेगी, लक्ष्मी दौड़ के आएंगी। लुटेरा रावण कभी सोचा कि भारी संपत्ति वहां बलि के पास जाऊं मैं? तो भगवान दरवाजे पर चौकीदारी कर रहे थे, खड़े हो गए दरवाजे पर। छोटे सोचो आप, बामन रूप के कितने बड़े होंगे। रावण बोले बलक हट जाए रास्ते से। बोले क्यों हटूं? तू मेरे रास्ते में आया कि मैं तेरे रास्ते में आया हूं? तू हट जाए यहां से। अच्छा तू मुझे रोकेगा? बोले क्या चाहता है तू? हट जा। क्यों अपनी मां को रुलाएगा तू? कुचल जाएगा, मर जाएगा ऐसा? तो पहले मुझसे निपट ले, मेरे मालिक के पास जाना है। लूटे बोले हाँ
सीधा महाराज अंगूठे से जरा सी स्पर्श किया रथ को रावण का, सीधे उड़ा जाके लंका में गिरा। दूसरा हिम्मत नहीं कर सका रावण जाने के लिए। देखो आप भी चाहोगे कि भगवान रक्षा करें ऐसे चौकीदार बने, बन सकते हैं। तब वाणी में अगर भगवान का कीर्तन है तो वाणी में भगवान रक्षा करेंगे बनकर, कानों में भगवान चौकीदारी करेंगे, कथा श्रवण की प्यास है तो कान में भगवान रक्षा करेंगे, नेत्र में दर्शन की प्यास है परमात्मा की तो नेत्र की चौकीदारी करेंगे, कोई दुर्गुण गलत दृश्य नहीं घुसेगा, नासिका में उसकी उपासना की सुगंध की प्यास है तो भगवान नासिका में रक्षा करेंगे, हाथ में सत्कर्म की प्यास है, पूजा की प्यास है, दिन दुखी और गो माता की सेवा की प्यास है, तुम्हारी रक्षा करेंगे। कितना सरल है बताओ, तुम्हारे चौकीदार बन सकते हैं। किसी भी धर्म में ऐसा भगवान नहीं मिलेगा जो चौकीदार भी बनता है भक्ति के लिए। बोलो आप, केवल सनातन धर्म में है, कोई भगवान के मैसेंजर से काम चलाता है पैगंबर के रूप में तो कोई गॉड के रूप में, वो सन ऑफ गॉड है यीशु, गॉड नहीं, सन ऑफ गॉड। लेकिन हमारे यहां सीधा परमात्मा आता है और चौकीदार तक बनता है, केवल और केवल सनातन धर्म में, बाकी कहीं नहीं। कल मैं कहता दुर्गंध में मां के गर्भ को कुंभी पाक कहा गया है, वहां घुसकर 9 महीना रहे और परीक्षित की रक्षा करते रहे। बोलो कौन होगा ऐसा, बस केवल आपसे प्रेम चाहता है, निष्कपट प्रेम। नारद जी से लक्ष्मी जी ने पूछा अरे कहाँ है प्रभु, बहुत दिन हो गए। तो नारद जी ने कहा मैया अब तू अकेले रहने की आदत डाल दो। बोले क्यों? बोले प्रभु नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बोले उनकी नौकरी लग गई। अच्छा क्या नौकरी लग गई है? तो चौकीदारी की। बोले सीधे के बोलने की तुम्हारी कभी टेढ़े बोलने सिवाय तुम्हारी आदत नहीं गई, जब भी बोलोगे टेढ़ा बोलोगे, नौकरी लग गई, चपरासी लग गई, क्या बात है बता। बोले आप ही ध्यान लगा के देख लो ना, अब माँ लक्ष्मी जब ध्यान दिया तो सचमुच चौकीदार बने हुए। बोले क्या ध्यान में पुकारे क्या करो आओ। भगवान ने कहा नहीं देवी नहीं आ सकता मैं, इस मेरे भक्त ने, मैंने इसके साथ छल किया, इसने मेरे ऊपर विश्वास किया, मैंने बलि के साथ छल किया और बलि ने मुझ पर विश्वास किया, इसलिए मैं ये कर्ज जब तक नहीं उतारू नहीं आ सकता। तो स्वतः माँ लक्ष्मी वेश बदलकर स्वर्ण कलश और सोने की थाली लेकर दीपक जलाकर ये सावन की पूर्णिमा जिस दिन राखी बनाते हो उस दिन आई। अब बोली भैया मेरा कोई भाई नहीं, मैं तुम्हें राखी बांधना चाहती हूँ। बोले ले बहन बांध। कलाई दे दी, राखी बांधी। राखी बांधने के बोले तो दूसरे लोग से आई है और मैं दूसरे लोग में रहता हूँ, तेरी पसंद कहाँ होगी मुझे मालूम नहीं, इसलिए ऐसा कर जाओ बहन घूम के आओ जो पसंद आए। लक्ष्मी जी आई घूम के सिर झुक गया लाज के मारे। बोले क्या पसंद आया? वैसे भैया सब चीज़ ठीक है मेरे पास, तुम्हें क्या पसंद आया? ये चौकीदार पसंद है मेरे पास। इसका मतलब तू लक्ष्मी है? बोले हाँ, मैं तो यही समझता था यही नटखट केवल चोरी करता है छलता है, लेकिन आज बहन भी छलने लगी सब कुछ लुटा करके, तो मैं उस नटखट को पाया था और आज उसे तू छल के ले जा रही है। ठीक है बहन ले जा, लेकिन आज मैं सचमुच बलि हो गया। लक्ष्मी ने पूछा कैसे बलि हो गए? तो जिसकी बहन लक्ष्मी हो और जिसका बहनोई विष्णु हो तो वो बलि नहीं तो क्या है दुनिया में, सृष्टि में सबसे मैं बलि हो गया, धन्य हो गया मैं। और सचमुच आज तक याद किया जाता है जब कोई आचार्य अपने शिष्य की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधता है, पूजा में आप बांधवाते हो पंडित जी से तो क्या कहता है? ये न बद्धो बलि राजा देखो दानवेंद्रो महाबल तेने त्वा प्रतिबध्नामि रक्षित माचल मा।
ये बलि बामन प्रसंग मित्रों, हम भी भगवान को इनमें बिठा लें। ये दरवाजे हैं, इंद्रिय द्वार झरोखाना, कहाँ कहाँ सुर बैठे करी थान। सारे देवताओं का निवास रहता है, अगर इसमें भगवान को बिछा लें तो आपके भी द्वार पर बनने को भगवान तैयार है। For exclusive news, keep watching Chhattisgarh's first online news channel and portal, Clip Started.